being a human and being a girlfriend, you do feel jealous sometimes. Hello and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, apnalok sokoluke mur YouTube channel loi punor bar swagatam janaisu. So guys, aaj ka jo ye Q&A hai, ye actually मैं बता भी नहीं सकती, मतलब मैं कितनी आलसी हो गई हूँ इन दिनों में. ये मैंने पोस्ट कम्युनिटी में शेयर किया था, यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर किया था एक महीने पहले, मतलब 1 जुलाई को मैंने शेयर किया था, क्योंकि उस दिन मेरा 3 ईयर्स कंप्लीट हुआ था ऑन यूट्यूब. दैट्स ह्यूज, लाइक 3 साल मैंने यूट्यूब में गुजारा और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में. तो मैंने सोचा था कि यार एक Q&A कर लेते हैं, 3 साल हो गया है, तो सेलिब्रेशन के तौर पे कुछ ऐसे सवाल ज़रूर होंगे आप लोगों के, जो पूछना होगा, जो जानना चाहते होंगे आप लोग. तो मैंने सोचा कि Q&A कर लेते. और July 1st से आज August, जिस दिन मैं ये शूट कर रही हूँ, अब पता नहीं कब ये अपलोड होगा, होपफुली जल्दी करूँगी मैं, August 3rd को मैं ये शूट कर रही हूँ, तो 1 मंथ कंप्लीट 1 मंथ के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. बीच में थोड़ा टफ टाइम गया और अभी मैं कुछ चीज़ों में बिजी हूँ, उसके वजह से नहीं हो पा रहा था. और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम था, पर मैं थोड़ी आलसी, आलस में, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन जिसे बोलते हैं, आई गेस, कि मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे सोच के बहुत दिन हो गया था. तो एनीवे, बहुत ज़्यादा अभी बात ना करते हुए, क्योंकि हम बाद में वीडियो में बात करने ही वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ Q&A वीडियो. एंड मैंने सोचा था, एक्चुअली लेट क्यों हुआ, बस मैं उसका रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि यार Q&A अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ बात ना हो जाए. उसके साथ मुझे आई वॉन्टेड टू डू मेकअप, क्योंकि मैक्सिमम Q&A वैसा ही होता है कि मेकअप करते करते जवाब देते. तो मैंने सोचा कि यार मेकअप करते करते जवाब दूंगी, तो वो उसी चीज़ के आलस में मैं रह गई हूँ यार. एनीवे, तो आज फाइनली मैंने सोचा कि आई एम गोना डू द Q&A. अभी रात के बज रहे हैं 8:30 और मैंने कैमरा उठाया हाथ में कि लेट्स डू दिस. एंड या, तो शुरू करते हैं. बहुत ज़्यादा और ना एक्सप्लेन करते हुए मैंने मेकअप का सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया है. अभी आई एम गोना स्टार्ट माई मेकअप. स्किन केयर है और ये मेकअप करके मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:30. मैं ये मेकअप इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बोरिंग ना लगे आप लोगों को, एंड बाकी और कोई रीज़न नहीं है इस वीडियो में मेकअप करने का. हम एज यूजुअल नॉर्मल मेकअप करेंगे, जैसा मैं करती हूँ नॉर्मली, यूजली न्यूड मेकअप वैसा ही करूँगी. बहुत ज़्यादा हैवी करके मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ और मुझे करना भी पसंद नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई फोटोशूट हो. तो सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, वो बहुत सारे सवाल पूछे थे आप लोगों ने, तो उसका मैं ट्राई करूँगी कि बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हो पाए मैं जवाब दे दूँ आप लोगों को उतना. तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ इसका प्राइमर, शुगर का प्राइमर लगा रही हूँ. तो मैं ट्राई करूँगी जवाब देने के लिए, क्योंकि एक एक टाइप के सवाल भी बहुत सारे पूछा है आप लोगों ने. सो या, तो सबसे पहला जो सवाल है उससे हम शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सुरभि भाई, वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर ऑल द सक्सेस यू हैव अचीव टिल नाउ. थैंक यू सो मच. विशिंग मोर गुड लक, हैप्पीनेस एंड अ लॉट ऑफ सक्सेस अहेड इन योर लाइफ. अगेन थैंक यू सो मच. एंड आई वॉन्टेड टू आस्क दैट, हाउ आर यू लिविंग इन मुंबई नाउ एंड When will be इश्क जानिया released? तो दूसरा वाला सवाल का अभी जवाब ये है कि इश्क जानिया इज ऑलरेडी रिलीज एंड आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है. वी आर एक्सपेक्टिंग मोर लव. मैं डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक वीडियो का, हमारे म्यूजिक वीडियो का लिंक दे दूंगी. प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच, मेक इट 1 मिलियन हिट. एंड वी आर रियली एक्सपेक्टिंग, बहुत हार्डवर्क से हमने उस चीज़ को बनाया है. तो या, इश्क जानिया इज ऑलरेडी रिलीज एंड हाउ आर यू फीलिंग लिविंग इन बॉम्बे. सो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगी, दैट बॉम्बे मेरे लिए सच में बोलो तो एक ड्रीम सिटी था हमेशा से, कि आई वॉन्टेड टू कम टू मुंबई, आई वॉन्टेड टू डू एक्टिंग. तो मेरे लिए तो सपना था. और जब मैं यहाँ आई और अब जब मैं रह रही हूँ 2 साल से मुंबई में, 2 साल, मतलब ऐसा लगता है ना, उस दिन ही तो आई थी यार, 2 साल हो गए, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग, मतलब 2 साल काफ़ी वक्त होता है यार, पता ही नहीं चला कैसे चला गया. घर बदल लिए हमने, 2 साल में 3 घर चेंज किया हमने. तो या, आई फील अलाइव इन मुंबई. इट्स नॉट कि मैं असम में मरा हुआ फील करती हूँ, बट द जोश, द डेडिकेशन और जो एक भूख होती है, जो काम करने की भूख होती है, वो हमेशा से थी मेरे अंदर.
एंड शायद इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ आज. पर शायद हो सकता है कि असम में या फिर कहीं और मैं कभी ठहर भी जाऊँ एक पल के लिए, पर बॉम्बे में वो कभी नहीं होगा मेरे साथ. आई विल नेवर स्टॉप डूइंग इन बॉम्बे. और मुंबई भी ऐसे लोगों को ही रखते हैं अपने साथ जो मुंबई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. तो आई लव मुंबई. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, डिड यू एक्चुअली थॉट योर यूट्यूब फैमिली वुड बिकम सच अ ह्यूज इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड? नो या आई डिड नॉट थिंक कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो इतनी एक बड़ी फैमिली बन जाएगी. व्हेन आई स्टार्टेड इन लॉकडाउन. और एक्चुअली मैं क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे एक एक्स बॉयफ्रेंड को हु पुश्ड मी टू डू यूट्यूब. ही वाज लाइक कि करो करो. मैंने बोला यार मुझे कौन देखना चाहेगा. तो ही वाज अ ग्रेट एक्स ऑफ माइन. ब्रेकअप क्यों हुआ उस रीज़न में नहीं जाते, बिकॉज एक्चुअली ब्रेकअप मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग उसी चीज़ को जज करोगे. ब्रेकअप इसीलिए हुआ क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी. आई एम नॉट रेडी राइट नाउ फॉर अ मैरिज एंड ही वॉन्ट टू मैरिज. तो इसके वजह से वी म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज, विच इज़ अ वेरी कॉमन लाइन नाउ डेज. एनी वे तो ही पोस्ट मी अ लॉट. उन्होंने मुझे बहुत बोला कि यार यूट्यूब करो. मैंने बोला यार कौन देखना चाहेगा मुझे. इट्स लाइक तुम करो तो सही, देखने वाले लोग निकल जाएंगे. एंड आई लिसन टू हिम. आफ्टर 6 महीने उसने मुझे समझाया. फिर उसके बाद मैंने फाइनली लॉकडाउन में चैनल शुरू किया एंड हियर वी आर 6,30-40K सब्सक्राइबर्स के साथ. ह्यूज. सो दूसरा जो सवाल है वो ये है, मुंबई में क्या क्या चीज़ों का मतलब क्या क्या चीज़ डिफरेंट है असम से, मतलब एक्टिंग फील्ड में असम से बॉम्बे में क्या क्या अलग है. तो असम से बॉम्बे में एक्टिंग फील्ड से बहुत सारी चीज़ें अलग हैं. बहुत सारी चीज़ें. मुझे लगता है जो सिमिलर है वो ये है, एक्टिंग इज सिमिलर. यहाँ पे करो वहाँ पे करो. सबसे बड़ा डिफरेंस, जो सब डिफरेंस का मेन रीज़न है वो ये है, बजट इज़ व्हाट आई फील. क्योंकि हमारे वहाँ के फील्ड में ना, हमारे वहाँ के असम में मतलब एक्टिंग फील्ड में बजट ही नहीं है यार किसी भी चीज़ की. मतलब अभी जो मूवीज़ बन रहे हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी. ऑब्वियसली दे हैव बजट. हमारे असम में एक सीरियल का पर डे पर एपिसोड बजट जितना होता है, मुंबई में एक DOP या फिर एक एक्टर उससे ज़्यादा पर डे में चार्ज कर रहे हैं. सो उस हिसाब से ना बहुत ही कम बजट है. और मुझे लगता है एक बार ये बजट वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे लोग, तो फिर शायद बाकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. जैसे कपड़े हम वहाँ पे असम में खुद लेके जाते थे, ज्वेलरीज हो, कपड़े हो, बाकी वैनिटीज. तो चलो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट पर्सनल रूम बहुत दूर की बात है. वो उन सब के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है. वो सारी चीज़ें बहुत बाद में आता है, पर मुझे पहले लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो बजट बहुत कम है, फिर उसके बाद कपड़े भी खुद लेके जाना पड़ता है असम में, तो एक्टर के पास बचता ही नहीं है. मैं सीरियल की बात कर रही हूँ. म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल में भी सेम ही है, मतलब उसमें भी ऐसा बहुत खास इतना देखते नहीं है. वंस यू रीच दैट लेवल तो एक तो कपड़े खुद के लेके जाने पड़ते, बाकी ज्वेलरीज हो, ये सारी चीज़ें हो. और आप एक ही कपड़े तो हर सीरियल में हर एपिसोड में नहीं पहन सकते, तो अलग अलग कपड़े आपको पहनने पड़ते. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसे में सीरियल कर रही, तो ऐसे में सीरियल में सादर में खिला. अब सादर में खिला मुझे 200-300 रुपये में तो मिलेगी नहीं एक अच्छी, अगर हम देखने जाए तो. उसके लिए मुझे अराउंड 1000 तो ज़्यादा ही, मैं मतलब कमी बोल रही हूँ, 1000 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. तो उसके लिए पैसे नहीं मिलते उतने कि आप कपड़े इतने ले पाओ. 3-4 महीने शूटिंग होती है, अब 3-4 महीने आप कहाँ से कपड़े लाओगे? तो जितना मिलता है आधे से ज़्यादा तो कपड़ों में चला जाता है. फिर उसके बाद मेकअप वेकअप चलो वहाँ का आता है, पर फिर भी वो इतने क्वालिटी का नहीं होता है. तो मेकअप तो चलो हम यहाँ पे भी मैं खुद का ही यूज़ करती हूँ, वो दैट्स नॉट एन इशू. बट बेसिकली द क्लोथ्स, द ज्वेलरीज और फिर बाकी एक प्राइवेसी जो होती है होनी चाहिए वो नहीं है. अगर हम म्यूजिक वीडियो के लिए बाहर गए शूट करने जा रहे हैं तो गाड़ी में ही चेंज करना पड़ता है, या गाड़ी में ही चेंज करना पड़ता है. चेंजिंग रूम भी नहीं होता है. फिर बाहर लेके जाके कहीं पे भी मेकअप करना शुरू कर देते हैं. किसी होटल में चले गए जहाँ ब्रेकफास्ट करने, वहीं पे मेकअप करना शुरू करते हैं. सो एक दो दिन समझ में आता है, पर ये पैटर्न है हमारे वहाँ का कि ऐसा ही होता है. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें चेंज करनी बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे एक सीरियल में जितनी बड़ी टीम होती है वहाँ पे मतलब उसकी आधी 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 भी नहीं होती शायद.
तो वो एक चीज है। तो हर चीज ना आके सिर्फ इसी चीज पे अटक जाती है कि बजट, अगर पैसा होगा तो हर चीज होगा, पैसा होगा तो फिर एक्टर्स भी डिमांड करेंगे कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर वो चीजें आने लग जाएंगी। अभी अगर एक्टर्स डिमांड भी करेंगे तो कहाँ से लेंगे, है ही नहीं जब, तो वो चीज है। सब हर कहीं हो, हर चीज बस उसी पे जाकर अटक जाती है, मनी। ओके, तो फिर उसके बाद जो सवाल है वो ये है कि तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, थैंक यू सो मच, तुम मुझे मतलब एसएमएस में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ रही हूँ कि आप हो पूरा दिन बिजी रहते हो तो अपने स्किन और फिगर को कैसे आप मेंटेन करते हो। तो पहली बात ये है कि फिगर कैसे मेंटेन करती हूँ, यार मुश्किल तो है, पर हाँ मतलब आप नहीं पुट ऑन कर सकते, हो जाता है कभी कभी पुट ऑन ना चाहते हुए भी, कि आप जब फास्ट फूड खाने लग जाते हो, ये खाने लग जाते हो। तो मेरा ऐसा है कि आई वॉज नेवर मतलब मैं कभी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी, मतलब आई वॉज लाइक दिस, थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, या तो कभी थोड़ी ज़्यादा वेट कम हो जाती थी या फिर 2-3 kilos बढ़ जाते थे, बस उससे ज़्यादा मैं कभी हुई नहीं। तो मेरे लिए एक्चुअली ये थोड़ा सा सही है कि अगर मैं फास्ट फूड खाना बंद कर देती हूँ तो इमिजिएटली मेरा मेंटेन रहता है, मतलब बॉडी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाऊँगी। तो जो है मैं उनको बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, फैट शेमिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट सवाल उसके मैं आज जवाब दे रही हूँ, दैट्स इट। तो अगर मैं फास्ट फूड खाना छोड़ देती हूँ और चावल थोड़ा सा कम कर देती हूँ तो वो वैसे ही मेंटेन रहता है, उतना मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और करेंटली आई एम नॉट शूटिंग फॉर एनीथिंग, तो मैंने जुम्बा ज्वाइन किया हुआ है, उसमें मैं जाती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, मैनेज करती हूँ, ट्राई करती हूँ, रेगुलर तो हो नहीं पा रही हूँ पर फिर भी आई एम ट्राइंग। एंड स्किन के बारे में, येस आई डू माई स्किन केयर, आई वॉज नॉट डूइंग स्किन केयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किन केयर, और उसके बाद फिर मैं स्किन केयर करने लग गई हूँ। तो अभी मैं लाइक प्रॉपर टोनर, सेरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन, देन नाइट क्रीम, ये सारी चीज़ें मैं अभी यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट इज वॉट आर द सम प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन लाइफ डिटेल में। अब डिटेल में मैं लाइफ के प्रॉब्लम्स बताने जाऊंगी तो ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा, बट बाकी जो प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो तो देखो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में होता है, उसको क्या ही हम डिस्कस करेंगे। बट येस डेफिनेटली आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग राइट नाउ आफ्टर नीमा, थोड़ा ऐसा मेरा हो गया था कि नॉर्थ ईस्ट की हो तो वैसे वाले नॉर्मल मेन स्ट्रीम, नॉर्मल मतलब मेन ऐसे दूसरे जगह के कैरेक्टर्स मुझे इतने अप्रोच नहीं हो रहे थे, बट आई थिंक वो प्रॉब्लम भी अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, बिकॉज आई एम ऑडिशनिंग फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड कुछ है चीज़ें अभी प्लान में जो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, आई होप आप लोग समझोगे। तो यह प्रॉब्लम वही फेस कर रही थी, मतलब करियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज तो आप लोगों को पता ही है, जितना आप लोगों ने अगर मतलब आप पहली बार देख रहे हो तो नहीं पता होगा, पर जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको तो पता ही है मेरे लाइफ के बारे में, मैंने सब कुछ खुले किताब की तरह रख दिया है। यस, भगवान की कृपा से माँ की भी तबीयत ठीक है, टच वुड ऐसे ही रहे वो, एंड बाकी वैसे मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अभी फ़िलहाल लाइफ में तो, एंड छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होते रहते हैं, वो ना हो तो ज़िंदगी का भी इतना मज़ा नहीं रहेगा। सो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं ऊपर नीचे करियर में या फिर बाकी सारी चीज़ों में, बाकी वैसे ठीक चल रही है फ़िलहाल तो। सो उसके बाद जो सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं इन दिनों मुझे, YouTube हो या फिर Instagram हो, हर कहीं ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुरभि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हम कब आपको दोबारा देख पाएंगे। तो ये सवाल लोग बहुत बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल तो नहीं बता सकती एक्चुअली कि नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट है, बस इतना मैं हिंट दे सकती हूँ कि कुछ सीरियल नहीं, मतलब इतना मैं आपको हिंट दे रही हूँ, सीरियल नहीं है एंड रियलिटी शो भी नहीं है, वो सब नहीं है, बट समथिंग डिफरेंट। एंड उसके लिए अभी मेरी लैंग्वेज की क्लासेस चल रही है, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, और वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, करंटली आई एम नॉट अलाउड टू रिवील, आई वॉन्ट टू लाइक मैं आप लोगों को बताना तो चाहती हूँ बिकॉज मैं कुछ छुपाती नहीं, पर उसके लिए ये तो बताऊँगी, वैसे पता तो चल ही जाएगा पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को, एंड आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा, लाइक दोज हु आर माई वेल विशर्स
आप लोगों को डेफिनेटली सुन के चलेगा. सो लेट जस्ट होप फॉर द बेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट यू एज यू टोल्ड यूट्यूब हैज गिवन यू अ लॉट बाय दिस स्टेटमेंट. आई अंडरस्टूड द ओवरऑल मीनिंग येट कमिंग टू द मेन पॉइंट. हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब टिल डेट. जस्ट एक्सप्रेस इट वाया एनी थिंग. सो यूट्यूब के लिए यूट्यूब से मैंने कितना कमाया. वैसे अगर मैं सिर्फ यूट्यूब और यूट्यूब रेवेन्यू और आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली आजकल सबको पता उतना नॉलेज हो ही गया है. तो यूट्यूब रेवेन्यू एंड ब्रांड्स कमर्शियल आर टू डिफरेंट थिंग्स. और अगर सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू की मैं अगर बात करूँ क्योंकि मेरे वीडियोज़ काम करते पर इतना भी नहीं कि यार बहुत लाख लाख व्यूज़ आ रहे वैसा नहीं है. तो जो मेरा YouTube से रेवेन्यू है ब्रांड को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम बिकॉज ब्रांड्स के तरफ से टच शूट आई एम डूइंग गुड. बट YouTube अगर रेवेन्यू की ओवरऑल मैं बात करूँ आज तक के जितना मैंने कमाया है उससे मैं एक अच्छी कार ले सकती हूँ. मतलब अच्छी ऐसा नहीं कि नॉर्मल अच्छी एक कार ले सकती हूँ YouTube के रेवेन्यू से ओनली फ्रॉम YouTube. बट YouTube आई फील मुझे थोड़ा इग्नोर करते और दे सकते थे. और उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आपने इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया था. और एक और दो तीन सवाल है कि बीच में कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी तो क्या है वो चीज़ें. तो एक ही साथ में बता देती हूँ. तो येस इन माई प्रोफेशनल लाइफ देयर वॉज समथिंग गोइंग ऑन जो मैं अभी फिलहाल तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती. आई विल व्हेन द टाइम विल बी राइट और जब मुझे लगेगा कि आई कैन टॉक अबाउट इट नाउ तो फिर मैं ज़रूर बात करूँगी उस बारे में. फिलहाल कुछ थी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी प्रोफेशनली तो उसकी वजह से मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी एंड आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू कॉन्सेंट्रेट बाकी चीज़ों में जिसकी वजह से वीडियो व्लॉग्स एंड ऑल भी नहीं हो पा रहा था. तो या दैट वॉज द रीज़न जो अभी फ़िलहाल तो नहीं बता सकते. तो दूसरा जो सवाल नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है डू आई फील जेलस व्हेन सौरव शूट्स विद अदर गर्ल्स. तो ये बहुत एक्चुअली हिपोक्रेट वाली बात हो जाएगी अगर मैं बोलूँगी कि आई फील जेलस और मुझे नहीं अच्छा लगता है व्हेन वो किसी और के साथ रील बनाते हैं या फिर शूट करता है. तो ऐसा होगा कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ जो चीज़ इतने सालों से मैं कर रही हूँ प्रोफेशनली अगर वो चीज़ मेरा पार्टनर कर रहा है और उस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ रहा है या फिर जेलेसी हो रही है तो गलत लगेगा यार सुनने में. बट बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अ गर्लफ्रेंड यू डू फील जेलेस समटाइम्स. यू डू फील आई कैन नॉट इग्नोर और आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि हाँ मैं करती हूँ जेलेस. डेफिनेटली हर किसी को होगी मुझे भी होती है और विच इज़ आई फील वेरी नॉर्मल क्योंकि अगर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत जेलेसी नहीं है थोड़ी बहुत पजेसिवनेस नहीं है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए बहुत एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए तब वो टॉक्सिक हो जाता है. तो पर थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए. अगर आपका बंदा हल्का फुल्का जेलेस होता है तो क्यूट ही लगता है और उस हिसाब से मुझे लगता है आपकी बंदी भी. अब मुझे पता नहीं सौरभ को ये क्यूट लगता है या नहीं लगता है बट येस कभी कभी अगर मुझे नहीं अच्छा लगता है कुछ चीज़ें तो मैं आई जस्ट टेल हिम कि सी दिस इज़ समथिंग आई डिड नॉट लाइक तो तुम देख लो अगर तुमको कंटिन्यू करना है उस चीज़ को मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो इट्स योर चॉइस एनीवे. तो वो एक चीज़ है कि हाँ आई डू फील जेलस समटाइम्स बट ऐसा नहीं है कि उसके वजह से मैं उसको ये बोलूँगी कि तुम सब कुछ ही करना बंद कर दो दैट विल बी रॉन्ग वो गलत हो जाएगा. तो मैं उसको बोलती हूँ कि करो पर मतलब ऐसी चीज़ें ना करना कभी भी जो मुझे बुरा लगे एंड आई एम श्योर वो करता भी नहीं है वैसे और करेगा भी नहीं इन फ्यूचर होपफुली. सो या नेक्स्ट सवाल जो ये सवाल भी एक्चुअली मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने अपनी हिंदी कैसे सुधारी और इंग्लिश कैसे सुधारी. तो इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ सबसे पहले हिंदी की बात पहले करती हूँ. माई हिंदी वॉज नेवर बैड जस्ट टू वॉच अ लॉट ऑफ हिंदी सीरियल्स बचपन में तो उसके वजह से एक मतलब मैं मुझे आती ही थी हिंदी. इट जस्ट जेंडर का प्रॉब्लम होता था मुझे आता आती गया गई उन सारी चीज़ों में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी एंड अड़ा जो हम बोलते हैं ना लड़का लड़की उन सारी चीज़ों में पेड़ उन सारी चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम होती थी.
वो सारी चीज़ें विद टाइम बोलते बोलते लोगों के साथ ठीक हुई है। जब मैं नीमा के लिए आई थी तब भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी बाकी थी, वो भी यहाँ पे ही मैं सीखी हूँ बात करते करते। तो आई फील हिंदी वॉज नेवर बैड, बट विद टाइम ये और ज़्यादा फ्लुएंट हुई है। अभी भी 1-2% मुझे लगता है कि और सुधारनी बाकी है, दैट आई एम वर्किंग ऑन। मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना हो सके ये बात करती रहूँ, बिकॉज आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। जितना आप बात करोगे उतना आपका ज़्यादा साफ होता जाएगा। तो अगर गलत भी आप बोल रहे हो तो यू लाइक कीप ऑन कम्युनिकेटिंग, आप बोलते रहो। और सेम विद इंग्लिश, बट येस आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट इंग्लिश, लिटरली ज़ीरो नॉलेज। अभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कि भाई बहुत बढ़िया हो गई है, ऐसी बात नहीं है। इवन नाउ आल्सो आई एम लर्निंग, अभी भी मैं हर रोज़ एक नई शब्द मतलब एक नया वर्ड सीखने की कोशिश करती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश, आई ऑलवेज लव्ड द लैंग्वेज इंग्लिश। मतलब ये सब्जेक्ट ही मुझे बहुत पसंद थी, पर मुझे आती नहीं थी। मतलब ग्रामर में ज़ीरो माइनस, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। क्लास टेंथ में मैं ऐसे रट्टा मार मार के मैंने लिखा है, और फिर मुझे ऐसा था कि मुझे सीखना है। एंड ऑल्सो वन ऑफ देन को एक्टर, शी काइंड ऑफ इंसल्टेड मी फॉर इंग्लिश। वो बात मुझे थोड़ी ईगो में लग गई थी कि उसने ऐसे इंग्लिश के लिए मुझे कुछ बोल दिया था। तो मैंने सोचा कि यार भाई अब तो सीखना पड़ेगा, अब तो बात इज्जत पे आ गई है। तो एक बुक आती थी इंग्लिश, हेमंत नकर इंग्लिश ही का बुक। सो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक, आई थिंक 30 डेज का था वो। और फिर उसके बाद उस बुक से मतलब मुझे जो जो भी समझ में आता था वो मैं कॉपीज में लिखती थी। फिर उसके बाद आई यूज़ टू टॉक, मतलब मैं सोचने भी इंग्लिश में लग गई थी। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को वो था कि मुझे सीखना ही है, आई वॉन्ट टू डू इट एनी हाउ। तो धीरे धीरे समझ में आने लगी चीज़ें कि कौन किस चीज़ को कहाँ लगाना है। पहले तो एम इज़ आर में इतनी कन्फ्यूजन थी, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मैंने अप्लाई करना शुरू किया, बोलना शुरू किया। और फिर उसके बाद एक दो दोस्त भी ऐसे मिले जो इंग्लिश में, उन लोगों ने बात करके मेरी काफ़ी मदद की, उनसे कोशिश करती थी बात करने की। फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत ठीक हो गया, जब आने लग गया मतलब बेसिक, तो फिर मैंने इंग्लिश मेजर ले लिया। दैट वॉज अ रिस्क, बट येस आई टुक इट एंड कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स में फर्स्ट क्लास में। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, मुझे बड़ा मज़ा आता है बोल के। बट येस आई फील दैट हाउ बैडली यू वॉन्टेड, मतलब जो भी सीखना चाहते हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, इट डिपेंड्स हाउ बैडली यू वॉन्ट टू लर्न एंड आप कितना उस चीज़ के लिए पागल हो या फिर कितना उस चीज़ के लिए आपके अंदर भूख है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। और जब आप सोचना शुरू करते हो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में और फिर उस सोच को फिर आप बोलते हो, कम्युनिकेट आपके आसपास जो लोग हैं, मतलब जो उनको आती है इंग्लिश, या फिर कोशिश कर रहे हो वो भी सीखने की, बात करने की कोशिश करो। आप जितना बात करोगे उतनी ज़्यादा धीरे धीरे साफ होती जाएगी। 1-2 दिन में होने वाली वैसे भी ये चीज़ नहीं, इट विल इम्प्रूव ओवर टाइम। और मेरी भी अभी मतलब मैं कोशिश करती हूँ बोलते रहने की। कोई कोई मुझे बोलते हैं, मतलब आसाम के लोग यहाँ पे तो हर कोई मतलब मोस्टली पीपल टॉक इन इंग्लिश ओनली, पर आसाम में बोलते हैं हाँ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, इंग्लिश में बोलती है। बट ब्रो वंस यू कम आउट फ्रॉम योर शेल्टर देन यू विल रियलाइज कि वेर यू स्टैंड। तो सीखिए, एक लैंग्वेज सीखना कोई गलत बात नहीं है, और नहीं जानना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश, दैट्स फाइन, दैट इज जस्ट अ लैंग्वेज, अगर नहीं आती तो इट्स ओके। पर अगर आपको आती है दैट्स एन एड ऑन आई फील। तो उसके बाद जो एक सवाल है वो भी बहुत सारे ही लोगों ने पूछा है, व्हाई डिड आई क्विट बाजीगर की। सो देखो, मैं सिंपल सा ना बता के ख़त्म कर देती हूँ आज, और ताकि आप लोग मुझे ना पूछो आगे। इज आई वॉज नॉट हैप्पी विद द कैरेक्टर, लाइक आई वॉज नॉट हैप्पी विद द ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर, लाइक हाउ इट वॉज गोइंग। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, क्रिएटिवली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सो आई हैड टू लीव दैट। एंड नाउ आई एम हैप्पी दैट शो इज डूइंग वेल, एंड कोई और एक एक्टर मेरी जगह पे कर रही है, तो आई एम हैप्पी विद दैट, लाइक ठीक है। आई विल अनाउंस समथिंग स्पेशल वेरी सून, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। So the next question is, do I ever get sad while like to see the negative comments? Well, no. ये पुराना हो गया actually बहुत, और हम भी इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं। अभी ये एक टॉपिक जो बासी बोलते हैं ना, बासी खाना,
वैसे बासी खाना किसी को नहीं पसंद, तो वैसे बासी बातें भी किसी को नहीं पसंद। तो अभी जो वो नेगेटिव कमेंट्स है वो बार बार एक ही कमेंट करते हैं, और मुझे पता भी एक्चुअली कि किस फोटो पे मेरी क्या कमेंट आने वाली होती है, या अगर मैं ऐसे कुछ भी फोटोशूट करके डाल दूँ तो लोगों का क्या रिएक्शन आने वाला है, तो मुझे पता ही होता है पहले से ही। फिर भी मैं डालती हूँ बिकॉज मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर मुझे फ़र्क पड़ता तो मैं नहीं करती, शायद मैं वही करती जो मेरे हेटर्स चाहते, बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं यहाँ खुद से आई हूँ, खुद से काम कर रही हूँ, वो लोग मेरा रेंट नहीं भर रहे, वो लोग मेरे बिल्स नहीं पे कर रहे, वो लोग मेरे मुझे कपड़े नहीं खरीद के दे रहे, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे मेरे ज़िंदगी में, मतलब कहीं से भी एड ऑन्स नहीं कर रहे, तो उनके बातों को मैं क्यों ही भाव दूँ या फिर मैं क्यों ही बुरा फील करूँ उस चीज़ से। गुस्से की अगर मैं बात करूँ तो गुस्सा भी मुझे नहीं आता है उन पर, रेयरली, वेरी रेयर होगा ऐसा कि मुझे गुस्सा आता है। एंड देन ओनली वन ऑफ, एक ही चीज़ करती हूँ मैं अपने नेगेटिव कमेंट्स के साथ, आई ब्लॉक देम बिकॉज आई डोंट वॉन्ट नेगेटिविटी अराउंड मी। मैं खुद भी लोगों पे ऐसी सारी कमेंट नहीं करती, और अगर मुझ पे भी कोई कमेंट करे तो मैं उनको अपने आसपास नहीं रखना चाहूँगी, सो आई सिंपली ब्लॉक देम। और मेकअप भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, सवाल के जवाब भी ऑलमोस्ट देना हो ही गया है। दिस इज़ हाउ आई यूजली गो जब ऐसे मुझे बाहर जाना होता है, तो बहुत टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि बात करते करते कि अदरवाइज बहुत ऐसे इतना हैवी मेकअप भी नहीं करती हूँ एज यू कैन सी। तो या आई विल शो यू माई फाइनल लुक, फाइनल लुक मतलब यही फाइनल लुक है, और मैं कुछ करने नहीं वाली। लास्ट एक सवाल है जो पूछा है, और भी बहुत सारे सवाल है, और इतना ज़्यादा कवर करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप लोगों को पार्ट टू चाहिए इसका तो आप लोग मुझे बताना, और भी अगर कोई सवाल होंगे अलग इससे जो मैंने पूछा है अभी जो जवाब दिया उससे अलग, अगर कोई आप लोगों के पास सवाल होगा मेरे लिए तो प्लीज़ पूछना, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, और कुछ मज़ेदार बातें ऐसे पूछना अगर होगा तो। यही बस बॉम्बे असम इनके अलावा, मतलब हेट कमेंट्स बॉम्बे असम इन सब के अलावा अगर कोई और सवाल होगा। तो लास्ट जो सवाल है वो ये है, क्या सौरभ का इंस्टा अकाउंट मेरे पास है और मेरा इंस्टा अकाउंट सौरभ के पास है? तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि नहीं, हम दोनों का ही इंस्टा अकाउंट हम दोनों के पास नहीं है। वी डोंट यूज़ ओनली खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट एंड रॉरियल जो हमारा एक और इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ही हम यूज़ करते ऐसे, उसका उसके पास अपने पास है, मेरा उसके पास था कुछ महीनों पहले तक, वो भी इसीलिए क्योंकि आई वॉज बिजी और मुझे कुछ भी ऐसे पोस्ट करना होता था तो मेरे पास अगर मैं भूल जाती हूँ तो मैं उसको बोल के रख देती थी कि प्लीज़ ये पोस्ट कर देना ना, उसकी वजह से उसके पास था। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि मैं किसके साथ चैट कर रही हूँ, वो किसके साथ चैटिंग कर रहा है, वो देखने के लिए इन्वेस्ट क्या स्पाई करने के लिए हमारे हम दोनों मतलब यूज़ करते हैं दूसरे का अकाउंट, वैसा नहीं है। उतना ट्रस्ट तो होना पड़ेगा, और ऊपर से अभी हम तो लॉन्ग डिस्टेंस में ही रह रहे हैं तो ट्रस्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऐसी सिचुएशन में। वैसे तो आई डोंट प्रेफर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पर हो गया अभी क्या कर सकते, ऑप्शन नहीं है। एनीवे तो नहीं, हम दोनों के पास एक दूसरे का इंस्टा अकाउंट नहीं है, आई डोंट थिंक होना भी चाहिए। मुझे खुद के चलाने से फुर्सत नहीं मिलता, और मैं उसका चलाऊँ तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, और भी काम है मेरे पास फिलहाल, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहूँगी, आई एम श्योर वो भी नहीं करना चाहेगा। उन सारी चीज़ों के बारे में एक्चुअली हमारी कभी बात होती नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, किससे फ़ोन पे बात, मतलब वो अगर बिजी रहते तो किससे बात कर रहे थे, मैं अगर बिजी रहती तो किससे बात कर रहे थे, वो सारी डिस्कशंस, वो सारे टॉपिक्स ही हमारे बीच में डिस्कस नहीं होते। यू आर टू मच इनटू कि क्या वीडियो बनाना है, कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसका इन पैसों का क्या करना है, कहाँ पे लगाना है, क्या वो, इन सारी चीज़ों में वी आर सो मच बिजी दैट वी डोंट डिस्कस कि तुम किसके साथ बिजी थे। सो या आई जस्ट होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस Q&A आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इफ यू वॉन्ट पार्ट टू देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड दिस वॉज इट इन टुडेज वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या बाय। वेट, फाइनल लुक तो देख के जाओ।